एक बड़ी खबर आपको बता दें, टीएमसी ने बीजेपी नेताओं का ऑडियो टेप जारी किया है। बीजेपी नेता मुकुल रॉय और शिशिर बाजोरिया का टेप सामने आया है और चुनाव आयोग से सांठगांठ का आरोप सीधे सीधे लगाया गया है। बूथ लूटने की साजिश के खुलासे का दावा क्या है? एक तरफ बीजेपी ऑडियो टेप जारी करी है टीएमसी का, तो दूसरी तरफ टीएमसी ने भी अब बीजेपी नेताओं का ऑडियो टेप जारी कर दिया है, जिसमें बीजेपी नेता मुकुल रॉय और शिशिर बाजोरिया का ये टेप कहा जा रहा है चुनाव आयोग से साठ गांठ का सीधा सीधा बड़ा आरोप लगाया है। पहले ममता का टेप आया, अब बीजेपी का टेप आया। टीएमसी ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए एक ऑडियो टेप जारी किया है। इसमें बीजेपी नेता मुकुल रॉय और शिशिर बाजोरिया के बीच बातचीत का दावा किया गया है। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी चुनाव में धांधली के लिए चुनाव आयोग की मदद ले रही है। चुनाव आयोग कब आ रहा है? परसों हमें 21 को बुलाएंगे। 21? ठीक है, तब हम 21 को जाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, तो मैं 21 को जाऊंगा, आपको बता के रखता हूँ। ठीक है ठीक है। टीएमसी ने टेप जारी करते हुए आरोप लगाया है कि बीजेपी नेता बूथ पर एजेंट रखने का नियम बदलवाने की बातें कर रहे हैं ताकि चुनाव में फायदा उठाया जा सके। हमें ये करना होगा कि कोई भी इंसान किसी भी बूथ का एजेंट हो सकता है। अच्छा ठीक है, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से होता है, इसके लिए कोई लिखित कानून नहीं है। बस हमें ये बोलना होगा कि हम ऐसा क्यों चाहते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले से ही चुनाव आयोग पर निशाना साधती रही हैं और आईपीएस अधिकारी विवेक सहाय को हटाने पर उन्होंने आयोग को बीजेपी का भाई तक करार दिया था। जे कायदाय अपनारा विवेक सहाय के सस्पेंड करेछेन, एकटा उच्च पदस्थ अफिसार, इतिहासे लेखा थाकबे। आगामी दिन एसब निये काज हबे, कथा हबे। किसेर जन्य? आपनादेर साथे बीजेपी बसे बसे कि कि प्लान करछे आमरा सब जानी। आजके बिचारपतिरा भये कापे, कखनो कखनो বিচারের বাণী নীরবে নিভিতে কাঁদে। আজকে নির্বাচন কমিশন বিজেপির খুঁড়ত ভাই হয়ে গেছে। এইভাবে ইলেকশন চলছে, তাতেও মনে রাখবেন মানুষের জোর আমাদের জোর। বঙ্গাল মে পহলে চরণ কে সাথ টেপ কান কা খেলা শুরু হো গিয়া হ্যায়। আবি তো সাত রাউন্ড অর বাকি হ্যায়, দেখনা ইয়ে হ্যায় কি আগে আগে হোতা ক্যা হ্যায়। ব্যুরো রিপোর্ট, জি মিডিয়া। एक बड़े पायरेसी बिजनेस का भंडाफोड़ करते हुए फरीदाबाद साइबर क्राइम पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और ये रैकेट तमाम टीवी चैनल्स के कंटेंट की चोरी में शामिल था। बिना किसी लाइसेंस के टीवी के कंटेंट को दुनिया भर में प्रसारित करता था। एक बड़े पायरेसी रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। देश के अलग अलग प्राइवेट टीवी चैनल्स के कंटेंट को अवैध रूप से स्ट्रीम किया जा रहा था। अवैध रूप से टीवी चैनल्स के ओरिजिनल कंटेंट की स्ट्रीमिंग के मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हाल ही में फरीदाबाद के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में इसी को लेकर शिकायत दर्ज की गई थी। यप टीवी को मालूम हुआ कि कुछ लोग हैं जो पायरेसी में इन्वॉल्व हैं, एंड यप टीवी ने एक कंप्लेंट फाइल किया साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन फरीदाबाद के सामने। एफआईआर रजिस्ट्रेशन होने के बाद में एक कंपनी है रिजले कोटोर प्राइवेट लिमिटेड, जो एक्चुअली दिखाया ऐसा गया कि वो मास्क और पीपी किट्स का काम करते हैं, बट दे आर रनिंग अ कॉल सेंटर ऑल्सो। नाउ दिस कॉल सेंटर वॉज रेडेड बाई द पुलिस ऑन 10th of March itself, एंड 6 लोग जो हैं वो अरेस्ट हुए इसके अंदर। शिकायत में कहा गया था कि भारतीय और अंतरराष्ट्रीय प्रसारकों के सिग्नल को अवैध रूप से चुराया जा रहा है। भारतीय प्रसारकों को बिना कोई फीस दिए 400 से ज्यादा भारतीय और अंतरराष्ट्रीय चैनलों को अवैध रूप से स्ट्रीम किया जा रहा था। दरअसल दक्षिण एशिया के OTT कॉन्टेंट प्रोवाइडर यप टीवी ने रिसले प्राइवेट लिमिटेड का भंडाफोड़ किया। हम लोग यप टीवी जो है वो पायनियर इन OTT स्पेस, अब जानते हैं सबसे पहले हम इंडिया से, जो ग्लोबली ऑल्सो हम लोग पायनियर्स है, जो NRI ऑडियंस बाहर कंट्रीज में जो भी है उनके लिए हमने शुरू किया था। वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स हम अभी फेस कर रहे हैं 6-7 साल से, ये पूरा पायरेसी हो रहा कंटेंट। शिकायत के आधार पर फरीदाबाद साइबर क्राइम पुलिस ने रिसले इंडिया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और रिसले इंडिया सेल्स ऑफिस सहित कई स्थानों पर छापे मारे और अवैध सेट टॉप बॉक्स और कई संचार सिस्टम को जब्त किया। पुलिस ने मुख्य आरोपी के बिजनेस पार्टनर और कई कर्मचारियों सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है।
अगर दुनिया भर में चल रही ऐसी अवैध स्ट्रीमिंग को बंद कर दिया जाए तो इस उद्योग को 826 करोड़ रुपए का बाजार उपलब्ध हो सकता है। मांग की गई है कि बॉस आईपीटीवी के खिलाफ गहन जांच की जाए। 11 मार्च 2021 को गिरफ्तार किए गए सभी 6 लोगों की शिनाख्त सुमित शर्मा, हरमिंदर सिंह संधू, गणेश नायर, अनिल कुमार पाल, वीरेंद्र कुमार, देवव्रत राय के रूप में की गई है।